के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। क्या आप बदलना चाहेंगे? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? तो दोस्तों, UPSC की एग्ज़ाम आपको बिल्कुल बदल सकती है। दोस्तों, आपको एक मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आप अपने देश की सेवा करना चाहेंगे? क्या वो भी एक बेस्ट सैलरीज और बेस्ट वैल्यूज़ के साथ? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ये क्या है आपको जानना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ग्रेजुएशन के बाद ये पता चलता है कि UPSC क्या है, किस प्रकार से दे। मैं ये कहता हूँ, ये हमें 6ठी से 12वीं कक्षा में UPSC का पूरा फॉर्म समझ आ जाना चाहिए, तभी आपको ये एग्ज़ाम जो है आपको सफल बना सकती है। दोस्तों, तो ये PSC जब अंग्रेज लोग थे तब 1926 के अंदर जब PSC की स्थापना हुई थी, इसके बाद UPSC की स्थापना 1950 में हुई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इसमें क्या बन सकते हैं आपको लगता है कि UPSC पास करने के बाद हम क्या बनेंगे? तो दोस्तों, आप जब जिला कलेक्टर को देखा है, क्या DSP जी को देखा है, या किसी बड़े ओहदे जिला अधिकारी को अगर आप कल्पना कर रहे हैं, आप अगर उनको देखते हैं, तो आपको ये सोच लेना चाहिए, अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। यानी कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसी 24 प्रकार की सर्विसेज जो है वो UPSC के अंतर्गत आती है। और आप UPSC जब क्लियर करते हैं, मेरिट में आते हैं, तब इस 24 में से रैंक के अनुसार आपको जॉब मिलती है। दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहली शर्त, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको ये चांस आपको ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये कैसे पास कर सकता हूँ, अरे मेरे भाई, सभी लोग ये सोचेंगे कि मैं कैसे पास कर सकता हूँ, तो कोई भी बंदा देश सेवा में नहीं आ सकेगा। भारत की जो प्रशासनिक सेवा है, वैसे ये बहुत ही टफ और टॉप एग्ज़ाम है इंडिया की। मैं तो ये कहूँगा कि विश्व लेवल पे भी एक ऐसी बेस्ट एग्ज़ाम है जो टॉप सर्विस के लिए ये ली जाती है। दोस्तों, और हर बार ये अगस्त महीने में ज़्यादातर आयोजित की जाती है, जुलाई से अगस्त के बीच में ये आयोजित की जाती है। तो उसको इससे पहले कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा एनी फील्ड एनी सब्जेक्ट में। इसके बाद इसकी आयु सीमा क्या होगी? तो दोस्तों, जनरल वालों के लिए 21 से 32 साल की उम्र तक की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, OBC वाले 21 से 35 साल तक, और SC ST वाले 21 से 37 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, जनरल के लोगों के लिए इसमें 6 मौके मिल सकते हैं आपको ये पास करने के लिए, और OBC के लिए 9, बाकी के लिए असीमित मौके हैं। यानी कि आपके लिए चांस भी बहुत है अगर आप ये करना चाहते हो। मैं ये सोचता हूँ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर भी आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम हम कैसे पास करेंगे, काफ़ी लोग आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे, तो आपको लगता होगा मैं कैसे पास हो सकूं। मैं फिर एक बार कहता हूं कि आप जब फॉर्म भरते हैं तब आप लाखों में एक हैं। आप अगर चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो 3 चरणों में ये ली जाती है। पहली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है, दूसरी मेंस, और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज के एक पेपर होता है और एक सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, और ये 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। इसके बाद कई लोगों को लगता है कि प्रीलिम के मार्क्स जो है वो मेरिट में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे, तो इसका उत्तर ये है कि प्रीलिम के मार्क्स दोस्तों मेरिट में नहीं गिने जाते हैं।
इसके बाद आप प्रीलिम जो है केवल क्वालिफाइड करने के लिए है मेंस को, मेंस एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो प्रीलिम आपको क्वालिफाइड करनी होती है। उसमें से 200 में से आपको 66 मार्क्स नंबर्स लाने होते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। मेंस एग्ज़ाम भी 3 भागों में विभाजित है, एक तो जनरल के, दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट और तीसरे है लैंग्वेज। इसमें जनरल के 4 पेपर हो सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो एक पहला जो हो वो रीजनल भाषा में, यानी कि किसी एक भाषा का चुनाव आप इसके लिए कर सकते हैं, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा निबंध यानी कि ऐसे का, और चौथा है विविध मुद्दों पर होता है। दूसरे जो होते हैं, दूसरा विभाग जो होता है वो ऑप्शनल। सबसे ज़्यादा लोग अगर मार्क्स लाने के प्रयत्न करते हैं तो इसमें करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल का मतलब ये होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, चाहे आपकी बीए में हो या बीकॉम में हो या जहाँ भी हो, आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है उसको चुनाव आप ये कर सकते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा सब्जेक्ट। इसके मार्क्स जो है वो मेरिट में गिने जाते हैं, और मैं इस पर ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि ऑप्शनल है, फिर भी आपके इंटरेस्ट के हैं, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। दूसरे 2 पेपर होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं, इसमें पहला इंग्लिश का होता है और दूसरा है जो वो रीजनल लैंग्वेज का होता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके मार्क्स भी नहीं गिने जाएंगे मेरिट में, किंतु ये दोनों केवल क्वालिफाइड करने के लिए होते हैं। किंतु इंग्लिश से ज़्यादातर लोग घबराते हैं दोस्तों, इसमें 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड की जो होती है इंग्लिश, उसी के अनुसार इसमें होता है, इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना घबराए दीजिए दोस्तों, ये पूरे 1 साल का उत्सव है, इसके लिए काफ़ी उत्सव आपको गंवाने पड़ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि इस झमेले में कौन पड़े, दोस्तों आपको लगता होगा, किंतु कई लोग इसको एक लक्ष्य बनाकर आगे निकल चुके हैं यूपीएससी को पास करने के लिए। जो टॉप मेरिट में होता है उसको आईएएस मिलता है, उसके बाद जो होता है उसको आईपीएस, यानी कि इसके बाद आप डीएसपी डीवाईएसपी बन सकते हैं। अभी लोग आप कई बार पुलिस वाले को देखते हैं या कलेक्टर साहब को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि कितनी पावर भी इनके पास, तो ये पावर और पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों पी चाहिए आपको तो यूपीएससी को क्लियर करना पड़ेगा। 1 साल का उत्सव है, टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर आपको क्वालिफाइड करने होते हैं दोस्तों, और उसके बाद लास्ट में इंटरव्यूज होता है। इंटरव्यू में बहुत ही टफ माना जाता है, फिर भी अब आप जिस भाषा में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उस भाषा में दे सकते हैं। इंटरव्यू बहुत ही मायने रखता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में दोस्तों, तो इसी के आधार पर ज़्यादातर लोगों का मेरिट बनता है दोस्तों। तो बिना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा चांस है। अगले हर साल ये इसकी एड जो है पीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की निकलती है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि परिंदों को मंजिल मिलती है जो ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हमेशा पेन और दिमाग और हुनर बोलते हैं। तो लगे रहो, और जब सफ़र धूप का होता है तब तजुर्बा होता है कि जिंदगी जो छाव में चलती थी वो छाव अच्छी नहीं है, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो इस प्रकार से दोस्तों यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, बहुत सारी एड्स निकलती है, इसमें से 24 प्रकार की सेवा भारत सरकार को आप दे सकते हैं। भारत सरकार में आप प्रशासनिक सेवा जो है उसमें आप एक वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये तैयारियां करनी है तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि बहुत कोचिंग क्लास चल रहे हैं, उसमें ज्वाइन हो जाइए, आप तैयारियां कीजिए। मैं हर रोज़ कहता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास परफेक्ट होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए अगर आप इसकी तैयारियां करते हैं तो इसके नीचे की एग्ज़ाम को कम से कम आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। आपके राज्य सेवा आयोग की जो होती है उसकी भी एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, यानी कि इसकी तैयारियां करेंगे तो आगे आने वाली एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जीपीएससी या यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, किंतु आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला था जो आपको दी है। अगर
आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहिए, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी की एक छोटी लाइन किसी की लाइफ बदल सकती है, ऐसा मत सोचिए कि इस चैनल में या इस व्यक्ति में कुछ नहीं है। दोस्तों, शायद एक शब्द, एक लाइन आपकी लाइफ को इस मोड़ से इस मोड़ ले जा सकती है। दिस इज़ माई चैलेंज। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।